Honorable President of Assembly, Honorable Secretary General, and distinguished delegates. I don't know where to start from, but what I do know is that today I will express myself in my national language. Namaste. मेरे देश में ये केवल अभिनंदन नहीं, इसका मतलब मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर के परमात्मा को नमन करती है। आज मैं यहां खड़ा दुनिया के सभी देशों के सामने अपने देश की नुमाइंदगी कर रहा हूं। वही देश जहां इस वक्त कोई किसान खेतों में जाने से पहले उकड़ू बैठा किसी तीतर की आवाज का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमारे यहां तीतर की आवाज शुभ मानी जाती है। और वही किसी शहर में कोई मां न्यूयॉर्क में बैठे अपने बेटे से स्काइप पर चैट कर रही है। ऐसा है हमारा हिंदुस्तान। एक हिंदुस्तानी के अलावा अगर यह मैं किसी को समझाना चाहूं तो शायद समझा नहीं पाऊं। मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि देश को लेकर मेरा क्या कार्यक्रम है। कार्यक्रम भी बताऊंगा, पर उससे पहले मेरा सपना सुन लीजिए। सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे युवा देश, मतलब 3000 सालों का ज्ञान और आसमान से ऊंचा उड़ने की चाह, जब दोनों साथ आ जाएं, तो क्या मुमकिन है। जिस सिमत नजर जाए मेरा हिंद नजर आए, उजाले ही उजाले हो मेरा हिंद जिधर जाए। मैं अभिमन्यु कौल अपने सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हर एक नागरिक से यह वादा करता हूं, उस किसान से जिसकी आंखें पथरा गई बारिश के इंतजार में, उस मां से जिसने आज भी अपने बच्चे को भूखा सुलाया था, उस मजदूर से जिसे दिन भर पसीना बहाने के बावजूद भी दो वक्त की रोटी नसीब, और सभी बुजुर्गों से और युवाओं से कि चाहे मैं इस देश का प्रधानमंत्री रहूं या ना रहूं, हिंदुस्तान इस दुनिया में अपना सही मुकाम पाकर रहेगा। क्योंकि मुझे अपने यंग हिंदुस्तान, मैं यूं कहूं कि अपने यंगिस्तान पर पूरा भरोसा है।